सिक्किम में 17,000 फीट की ऊंचाई पर सेना का शक्ति प्रदर्शन। चीन से सटे हिस्से में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ने बरसाई आग। त्रिशक्ति कॉर्प्स की तरफ से शेयर किए गए वीडियो में जवानों को भीषण सर्दी में युद्धाभ्यास करते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने हथियारों का प्रशिक्षण भी किया है। चीन के साथ चल रहे सीमा तनाव के बीच भारत ने दोनों देशों के पास युद्धाभ्यास कर ड्रैगन को अपनी ताकत दिखाई है। भारतीय सेना ने सिक्किम में 17,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM ट्रेनिंग एक्सरसाइज की। पूर्वोत्तर के इस राज्य की सीमा चीन से लगती है और इतनी अधिक ऊंचाई पर किए गए युद्धाभ्यास में थल सेना की त्रिशक्ति कॉर्प्स ने अपनी ताकत से दुनिया को रूबरू करवाया। भारतीय सेना की तरफ से युद्धाभ्यास का वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें सेना की एंटी टैंक मिसाइल हथियार चीन की ओर मुंह कर आग के गोले उगल रहा है। जवानों को ठंडे और बर्फीले इलाके में खराब रास्तों पर जीप चलाकर पहुंचते हुए देखा जा सकता है। जवानों को एक साथ तालमेल बैठाते हुए दुश्मन के ठिकाने तक पहुंचने और फिर उन्हें निशाना लगाकर खत्म करने की प्रैक्टिस करते हुए देखा गया। त्रिशक्ति कॉर्प्स के युद्धाभ्यास का वीडियो 1 मिनट 27 सेकंड का है। टारगेट पर की गई लाइव फायरिंग। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए एक बयान में चीन सीमा के पास युद्धाभ्यास में पूरे ईस्टर्न कमांड की मैकेनाइज्ड और इन्फेंट्री यूनिट की मिसाइल फायरिंग टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। मंत्रालय ने कहा कि युद्धाभ्यास में लगातार ट्रेनिंग की गई, युद्ध के हालातों को तैयार कर हिल रहे और स्थिर टारगेट पर अलग अलग हथियारों से लाइव फायरिंग की गई। मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में आगे कहा गया कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल टुकड़ियों ने घातक ताकत के साथ बख्तरबंद टारगेट को खत्म कर अपनी ताकत को दिखाया। हथियारों के शानदार प्रदर्शन के जरिए खतरनाक पहाड़ों पर मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इसने आगे कहा कि ऊंचाई वाले इलाकों में ATGM सिस्टम का प्रदर्शन एक मिसाइल, एक टैंक और बहुत ही ज़्यादा उच्च ऊंचाई वाले इलाके में सटीकता और इसकी ताकत को दिखाता है।